हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल, यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई जस्ट वांट टू से दैट बी एट होम, बी सेफ एंड सेफ एंड यस कीप डिस्टेंस दैट यू नो मेंटेन डिस्टेंस एंड यूज मास्क एंड ऑल दीज थिंग्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर द लास्ट लीफ. क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है द लास्ट लीफ, आज वो हम पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द चैप्टर आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब यू करेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी. इट इज़ अ प्ले, इट इज़ नॉट अ चैप्टर. यू थिंक दैट क्लास नाइन्थ स्टूडेंट विल थिंक दैट दिस इज ओनली अ चैप्टर. सो इट इज़ नॉट अ चैप्टर, इट इज़ अ होल बुक, ठीक है. एंड ये पूरी बुक है, एक ड्रामा है जो एक प्ले में, वन प्ले है. देखो, अ प्ले इन वन एक्ट, एक एक्ट में किया जा सकता है. एक्ट होते थे पहले, जो है पहले के प्लेज में, तो ये जो है एक उसमें किया जा सकता है एक्ट में. और इस तरीके का ये प्ले है जो आपको शॉर्ट रूप में सुनने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ योर, इन द फॉर्म ऑफ योर चैप्टर, ठीक है. सो सबसे पहले तो ये स्टोरी है टू फ्रेंड्स की, जॉन्सी एंड सू, ठीक है. टू फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, टू यंग आर्टिस्ट हैं. दे बोथ आर यंग आर्टिस्ट एंड एक का नाम है सू, एक का नाम है जॉन्सी. दे बोथ लिव टुगेदर, शेयर्स, दे बोथ शेयर अ फ्लैट. दोनों जो है एक फ्लैट को शेयर करती हैं. उस टाइम पे क्या होता है, जो सू है वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है जॉन्सी की, दोनों ही पेंटर हैं. जॉन्सी है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको हो जाता है निमोनिया, निमोनिया हो जाता है. तो उसके घर के बाहर एक एक ये जो जहाँ लेटी हुई है वहाँ पर एक विंडो होती है, विंडो के बाहर एक वॉल होती है, वॉल पर एक क्रीपर जो है वो चढ़ रहा होता है. उस क्रीपर पर कुछ पत्तियाँ होती हैं. वेदर कौन सा, सीज़न कौन सा है, ऑटम वेदर है, मतलब कि पतझड़ का मौसम है, तो गिर रही होती हैं. ये इतना ज़्यादा जो है बुरा फील करती है, पता नहीं कहाँ से इसके अंदर जो है एक चीज़ आ जाती है ये, कि ये जो है व्हेन ये इसकी जो लास्ट लीफ विल फेल, तो ये भी शी विल डाई. ये चीज़ ये अपने हमेशा ये अपने दिमाग में ये चीज़ सोच के रखती है कि शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ विल फेल डाउन ऑफ दिस क्रीपर. ये सोच रही होती है और ये काउंट कर रही होती है. लेकिन इसकी फ्रेंड जो थी सू, उसको बहुत टेंशन हो जाती है इसकी, कि आखिर ये क्या सोचती रहती है सारे टाइम पर. वो कई बार उससे पूछती भी है, तब उसे पता चलता है. कई बार उसके डॉक्टर भी इसको, सू को बोलते हैं कि ये जो तुम्हारी फ्रेंड है, डॉक्टर आते हैं इसको देखने के लिए. इवन एवरी डे ही यूज़ टू कम, बट देर वॉज नो यू नो कोई भी इसमें देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन जॉन्सीज कंडीशन. सो ही टॉक टू द सू के ना, कि मतलब ये जो है इसको कुछ प्रॉब्लम है, ये मेंटली कुछ अपना, इसको कुछ टेंशन है. तो इस वजह से जब तक ये खुद नहीं चाहेगी तो तब तक मेडिसिन कुछ हेल्प नहीं कर सकती हैं. सो सू जो है वो ट्राई करती है इसको, काफ़ी तरीके से फैशन के बारे में बताती है वो, एंड शी टॉक्स अबाउट फैशन, ड्रेसेस सब कह रहे हैं. बट जो इसकी फ्रेंड है ये ऑलवेज़ लाइक कि बस ये कहती है मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है. उसको सूप ऑफ़र करती है पर वो कहती है कोई इंटरेस्ट नहीं है. देन सू जो है क्या करती है, उसको पता चलता है कि वो लीव जो है वो लास्ट लीव गिरेगी, उस दिन वो मर जाएगी. तो इस तरीके से तो ये इनके फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर एक बर्मम नाम का एक पेंटर रहा करता था, वो कितना काफ़ी ओल्ड थे, तो उनसे जाके मिलती है. और ये जो है एक एक मास्टरपीस आप देख सकते हो यहाँ पर, कई इन्होंने पेंटिंग्स बना के ऐसे मास्टरपीस जो है इन्होंने कई बन, ये एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे जो कि इन्होंने अभी तक बनाया नहीं था. तो ये इनसे जाके मिलती है और ये एक लीव बनाते हैं. और होल नाइट ये जो है बैरम जो है बाहर उसको पेस्ट करने में लगे रहते हैं. और इनकी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है. एंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी इनको निमोनिया हो जाता है, वो ठीक हो जाती है जॉन्सी, और इनको निमोनिया हो जाता है. एंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी जो पेंटर थे, जो अराउंड 60 के एज के थे, वो ही डाइड, ठीक है. सो दिस इज़ द होल स्टोरी. अभी हम वन बाय वन पूरा, मैंने अभी एक शॉर्ट में आपको सारे कैरेक्टर्स बता दिए. एंड नाउ अब हम जो है पूरा चैप्टर रीड करेंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. इट इज़ ऑटम, ये ऑटम का वेदर है, मतलब कि ये जो ऑटम का वेदर क्या होता है, जिस टाइम पे पत्तियाँ गिरती हैं, उसके बाद में नई पत्तियाँ आना, उसके बाद में कुछ नई पत्तियाँ आना शुरू होती हैं, इस तरीके शुरू होता है. तो अभी पत्तियाँ जो है येलो और वो करके गिरती हैं.
द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली, बहुत तेज़ जो है विंड चल रही है और रेन भी काफ़ी तेज़ हो रही है. ऑल द लीव्स एंड ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन, सभी लीव्स जो है उस आईवी क्रीपर की गिर चुकी हैं, केवल एक को छोड़ करके. क्यों नहीं गिरती है वो लीव, क्यों नहीं गिरती है आखिर? तो ये हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा क्यों नहीं गिरती है. ठीक है. सो सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटा सा फ्लैट शेयर किया करती थी दोनों आर्टिस्ट जो है. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, नवंबर में बीमार पड़ जाती है. शी हैड निमोनिया, शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो चुपचाप अपने बेड में बिना मूव किए हुए लेटी रहती है. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस विंडो के बाहर देखती रहती है. सू एंड हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, काफ़ी वरीड हो जाती हैं. सो उसकी फ्रेंड, शी वेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाती है. सो ऑल दो ही केम एवरी डे, यद्यपि वो डेली आया करता था, बट देर वॉज नो चेंज इन द जॉन्सीज कंडीशन. बट वो जब भी एग्जामिन करता था, ही सॉ दैट कि देर इज़ नो चेंज, देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द इन हर कंडीशन. सो वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड, एक दिन जो है डॉक्टर एक साइड लेके जाता है सू को एंड आस्क्ड हर, उसे पूछता है, इज़ एनी थिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को कोई चिंता है? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन हर लाइफ? शी हैज़ एनी, इज़ देयर एनी टेंशन? सो नो, रिप्लाइड सू. सू रिप्लाई करती है, नहीं, बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप क्यों पूछ रहे? डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स दैट शी हैज़ मेड अप हर माइंड, वो जो है अपना माइंड बना चुकी है, वो जो है अपना माइंड बना चुकी है किस चीज़ के लिए, ठीक नहीं होने के लिए वो अपना माइंड मेकअप कर चुकी है. सो द डॉक्टर सेड जॉन्सी, और अगर शी, इफ़ शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव, अगर वो नहीं जीना चाहती है, तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो मेडिसिन उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, तो सू जो है अपना बेस्ट कोशिश करती है जो है जॉन्सी को चीज़ों में इंटरेस्ट लाने के लिए. उसके शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, वो कपड़े और फैशन के बारे में बात करती है. बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड एनी, शी डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन दैट, इन दोज थिंग्स, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डाई ओनली एंड शी वॉज श्योर फॉर दिस थिंग दैट कि वो शी विल डाई when the last leaf will fell. जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, अपने बेड पर चुपचाप लेटी हुई है जॉन्सी. सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, वो ड्राइंग बोर्ड लेके आती है सू इन टू जॉन्सीज रूम, जॉन्सी के रूम में, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जो जॉन्सी का माइंड है वो उसकी इलनेस से बाहर आ सके. शी विजल्ड वाइल वर्किंग, और वो जो है सीटी बजाती है ताकि उसके दिमाग में थोड़ा सा अच्छा उसको फ्रेशनेस फील हो सके. सो सडनली सू हर्ड जॉन्सी इज़ विस्परिंग समथिंग, सडनली वो सुनती है कि जो सू है, शी इज़ सेइंग समथिंग स्लोली एंड शी इज़ सेइंग समथिंग, शी इज़ जस्ट स्पीकिंग समथिंग. शी क्विकली रश टू द बेड, वो जल्दी से बेड की तरफ जाती है एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, और वो सुनती है कि जॉन्सी जो है बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड मतलब कि जो आपने सुना वो बैकवर्ड काउंटिंग जो होती है वो 10, 9, 8, 7, 6 लाइक इस तरह गिन रही है. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो के बाहर देख रही है एंड वॉज सेइंग, और बोल रही है 12. आफ्टर सम टाइम उसने बोला 11, 10, देन 9, 8 एंड इस तरीके से. सू एंग्जियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू ने बाहर देखा विंडो के, एंड वॉट शी सॉ, क्या देखा उसने? शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ अवे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडोज, वो देखती है कि सामने जो क्रीपर है, जो उनके वॉल है, उनके विंडो के जस्ट सामने जो वॉल बनी हुई है, वो जो है उसने देखा कि वो उसको देख रही है, मतलब जो सामने वॉल के, जो उसकी विंडो के सामने एक वॉल है, उसकी विंडो के सामने बिल्कुल वहाँ पर हाफ वे, मतलब आधा जो है कि क्रीपर है, आईवी क्रीपर, उस पर कुछ लीव्स हैं वो गिर रही हैं और ये उनको काउंटिंग कर रही है. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और काफ़ी तेज़ विंड है आउटसाइड, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और जो क्रीपर थी वो अपनी लीव्स को गिरा रही थी. वॉट इट इज़ डियर, उसने बोला कि ये क्या है डियर, एंड सू सू ने पूछा. 6 विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये नीचे जो है जल्दी जल्दी गिर रहे हैं. 3 डेज है को, 3 दिन पहले देर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, यहाँ पर कितनी लीव्स थी, 100 लीव्स थी.
एंड नाउ देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. अब सिर्फ कितनी बची हुई हैं, 5 बची हुई हैं. तो सू ने कहा इट्स ओके, ठीक है, इट इज़ वेरी नॉर्मल इन ऑटम वेदर. जब भी ऑटम का जो सीज़न होता है इसमें लीव्स जो है वो ऐसे ही गिरती हैं. सू ने उसको समझाया एंड वो जो लीव्स तो वो गिरेंगी, इट इज़ नेचुरल. व्हेन द लास्ट लीव विल फॉल्स, जब लास्ट लीव गिरेगी आई विल डाई, मैं जो है आई विल डाई, सेड जॉनसी, मैं मर जाऊँगी. एंड फाइनलिटी, उसने इसकी आवाज़ में एक फाइनलिटी थी. एंड आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, मुझे पता है ये पिछले 3 दिनों से, मतलब ये पिछले 3 दिनों से शी वॉज काउंटिंग दोज लीव्स. ओ दैट्स नॉनसेंस, सोने कहा कि क्या है नॉनसेंस ही बात कर रही हो, वॉट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू गो विद यू गेटिंग वेल. आईवी लीव का तुम्हारे अच्छे होने से क्या कनेक्शन है, द डॉक्टर इज confident that you will get better and better. And she said ki, and doctor is very sure because you don't have any you know disease, so you will definitely, you will, doctor is very sure that you will be fine. Johnsy did not say anything, Johnsy ne kuch nahi kaha. So went and brought her a ball of soup, aur Johnsy jo hai gayi aur ek ball of soup leke aati hai uske liye. I don't want any soup, Johnsy ne kaha ki main, matlab jab wo soch rahi hai ki ab main rahungi nahi zinda to fir main soup pee ke kya karungi. So I am not hungry, main hungry nahi hu. Now there are only 4 leaves left, ab dekho 4 hi leaves bachi hai. I want to see the last one fall before it gets dark. मैं लास्ट को, लास्ट वाली लीव को जो है गिरते देखना चाहती हूँ डार्क होने से पहले, देन मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी. सू सेट ऑन जॉनसीज बेड, सू जो है वो जॉनसी के बेड पर सो बेड पर बैठी एंड किस्ड हर, एंड उसको किस करके बोली यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो, यू विल बी फाइन. मतलब वो उसको सपोर्ट करती है थोड़ा सा और उसको आई कान ड्रॉ द कर्टेन, मैं जो है वो कर्टेन को ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, सॉरी, फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, और मैं इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ. एंड गेट सम मनी फॉर अस, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ मनी अपने लिए, हम दोनों के लिए लेके आऊँ. प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, वो कहती है कि मेरी डियर फ्रेंड, शी बैग जॉनसी, वो जेंसी को रिक्वेस्ट करती है, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, प्रॉमिस करो कि मैं जब पेंटिंग करूँ तो आप विंडो से बाहर नहीं देखोगे. ऑल राइट, जॉनसी ने कहा ठीक है, ओके फाइन, ठीक है. वो उस बात पर शी एग्रीज ऑन दैट एंड फिनिश योर पेंटिंग सून. एंड शी ऑल्सो सेज टू सू दैट जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो, फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ लास्ट लीफ को गिरते हुए. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ. आई हैव टू डाई, मुझे मरना है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली, तो मुझे आराम से जाने दो. जैसे कि बेचारी लीव्स जो है वो धीरे धीरे गिर रही हैं, टायर्ड लीव्स कहती है. ट्राई टू स्लीप, अच्छा ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो. सोने का कुछ होने की कोशिश करो, ठीक है, कुछ नहीं होगा ऐसा. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे जो है ओल्ड माइनर को पेंट करना है. एंड आई विल कॉल, मैं जो है बैरमन जो नीचे पेंटर रहता है, एज आई टोल्ड यू इन द समरी, के जो बैरमन है वो इनके फर्स्ट फ्लोर पर रहा करता था, उसको बुला रही हूँ उसको, क्योंकि मुझे एक मॉडल की ज़रूरत है उसके लिए. सूरज टाउन, सू जल्दी से नीचे गई. बैरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहा करता था. ही वॉज 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वो 60 ईयर ओल्ड पेंटर था. एंड हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, और उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था उसका, वो एक मास्टर पीस बनाए जिसकी लोग प्रेस करें, जिसको लोग. सो बट दैट हैड रिमेंड अ ड्रीम, एंड इट वॉज ऑल्सो, इट वॉज स्टिल अ ड्रीम, अभी तक वो ड्रीम ही था. इसका मतलब कि ही डिड नॉट मेक अ मास्टर पीस. सो पावर्ड आउट हर वरीज टू बैरमन, उसने पावर्ड आउट मतलब कि उड़ेल दी, मतलब कि उसको सारी अपनी वरीज बता दी कि ऐसा ऐसा हो रखा है. शी टोल्ड हिम हाउ जॉनसी वॉज कन्विंस्ड, उसने बताया कि जॉनसी को किस तरीके से उसने कन्विंस किया. एंड दैट शी वुड डाई, नहीं वो उसने शी टोल्ड हिम हाउ जॉनसी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई वैन द लास्ट लीफ, उसने बताया कि वो किस तरीके से कन्विंस हो गई इस चीज़ के लिए कि जिस दिन लास्ट लीफ गिरेगी उस दिन वो शी विल डाई. इज शी स्टूपिड, अब ये तो स्टूपिड ही लगेगा हर किसी को. तो बैरमन सेड दैट क्या वो स्टूपिड है, हाउ कैन शी बी सो फूलिश, वो इतनी फूलिश कैसे हो सकती है. शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट, सुने तुरंत आगे बोला कि उसको बहुत तेज बुखार है. एंड शी रिफ्यूज टू ईट, और वो कुछ नहीं खा रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा आई एम वेरी वरीड फॉर दैट. सो आई विल कम विद यू एंड सी जॉनसी, बैरमन ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ. एंड दे टिप टोड इन टू द रूम, वो धीरे से रूम में आए. जॉनसी वॉज स्लीपिंग, जॉनसी सो रही थी. सो ड्र्यू द कर्टेंस, उन्हें जो है कर्टेंस को
धीरे से उसको खींचा. दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, वो अगले रूम में गए. एंड शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने विंडो से बाहर झांक के देखा. देयर वॉज ओनली वन लीव ऑन द क्रीपर, वहाँ पर सिर्फ एक ही लीव बची हुई थी. इट इज़ रेनिंग हैवीली, उसने बोला बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये जो है और बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि लीव जो है वो गिर जाएगी एक मिनट में. बहरम डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम. बहरमन ने कुछ नहीं कहा और वो अपने रूम में चला गया. जॉन्सी वोक अप. जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग उठी इन द फीबल वॉइस. फीबल मतलब होता है कमजोर, बहुत एकदम लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उसने कहा कि सू से कहा कि कर्टन खोल दो. सू ने, सू वॉज वेरी नर्वस, बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी. शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली, बहुत मतलब उसने जो है झिझकते हुए उसको खोला. ओ सू एक्सक्लेम्ड, शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, उसने वाइन क्रीपर की तरफ देखा. लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, उसने बोला देखो अभी वहाँ पर वन लीफ है ऑन द क्रीपर, क्रीपर के ऊपर वहाँ पर अभी भी है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, और ये काफ़ी ग्रीन दिख रही है इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म. स्टॉर्म के बावजूद भी वो काफ़ी ग्रीन दिख रही है. एंड इतनी तेज़ विंड थी, फैट्स विंड मतलब बहुत तेज़ विंड थी और ये नहीं गिरी. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, जॉन्सी ने कहा हाँ मैंने सुना था कि लास्ट नाइट बहुत तेज़ विंड थी और आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, और मुझे लगा कि ये तो अभी तक गिर चुकी होगी. इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई, ये पक्का आज गिर जाएगी और मैं मर जाऊँगी. यू वॉन्ट डाई, सो ने एनर्जेटिकली कहा कि तुम नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा. यू वॉन्ट डाई, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, तुमको जीना है मेरे लिए. वॉट मतलब अपनी फ्रेंड के लिए. वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, तो मेरा क्या होगा अगर तुमको कुछ हो जाएगा. जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी ने वीकली स्माइल किया एंड क्लोज हर आइज, और अपनी आँखों को बंद कर लिया. आफ्टर एवरी आर सो और सो, हर एक घंटे बाद वो बाहर देखती थी विंडो के बाहर, और लीव जो है वैसी की वैसी ही थी. इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसको चिपका दिया है. इन द इवनिंग, शाम को, देर वॉज अनदर स्टॉर्म, फिर से स्टॉर्म आया लेकिन लीफ नहीं गिरी. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी लेट गई एक लंबे टाइम तक उस लीफ को देखती रही. देन शी कॉल्ड आउट सू, तब उसने सू को बुलाया एंड उसने बोला कि आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ. यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरी इतनी चिंता की. आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए और मैं बहुत दुखी हूँ. एंड द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेट आई हैव बीन, और लास्ट लीफ ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी विकेट रही हूँ तुम्हारे लिए. आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, और मैं समझ गई हूँ कि मरना जो है, डाई जो है, एक सिन होता है, पाप होता है. सू हग्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को हक किया. एंड शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, उसने बहुत सारा उसको हॉट सूप दिया एंड एक मिरर दिया. जॉन्सी कॉम्ब्ड हर हेयर, उसने अपने हेयर को कॉम्ब किया एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और स्माइल किया अच्छे से एकदम. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम एंड आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, उन्होंने एग्जामिन करने के बाद में डॉक्टर ने उन्होंने बताया सू को कि जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, बिना विल के तो कुछ भी नहीं होता, तो अब उसके पास विल थी जीने के लिए. एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि शी विल रिकवर सून, बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो टू डाउन स्टेयर्स, और मुझे नीचे जाना है एंड सी बैरमन, उसको भी क्या हो गया था. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, बट आई एम एफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे उसकी चिंता है क्योंकि उसके होप के लिए, उसके लिए कोई होप नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, नेक्स्ट मॉर्निंग सू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई, और वो वहाँ पर आकर उसके पास बैठ गई. एंड टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, और जॉन्सी का हैंड उसने अपने हाथ में लिया और कहा आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बैरमैन डाइड ऑफ निमोनिया, निमोनिया से वो जो है उनकी डेथ हो गई है. इस सुबह ही वॉज इल फॉर ओनली टू डेज, वो सिर्फ दो दिन से ही बीमार थे. द फर्स्ट डे द जेनेटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जो फर्स्ट डे जो है जेनेटर मतलब कि जो बिल्डिंग में जो काम करते हैं थोड़ा सा वो होते हैं, तो उन्होंने उसको पाया अपने बेड पर, मतलब कि उसे बीमार पाया. हिज क्लोथ एंड शूज़ वर वेट, उनके कपड़े जो थे वो और शूज़ थे वो गीले थे. एंड ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो उस रात बाहर थे स्टॉर्मी नाइट, भयानक रात में, तूफान भरी रात में. देन दे फाउंड अ लेटर एंड अ लेंटर्न, उनको वहाँ पर क्या क्या मिला. देन उनको दे गॉट लेटर, वो लेटर सीढ़ियाँ और लेंटर्न लालटेन जो है वो जलती हुई उनको मिली, वहाँ पड़ी हुई थी, और कुछ ब्रशेस ग्रीन और येल्लो कलर वहाँ पर पड़े हुए
थे वहीं पर लेटर के पास में। जॉनसी डियर, सू सेड, सू ने कहा, जॉनसी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, बाहर देखो विंडो के, लुक एट दैट आईवी लीफ, तुम उस आईवी लीफ को देखो, हैवंट यू वंडर्ड, तुम्हें कभी वंडर नहीं हुआ कि वाई इट डज़ नॉट फ्लटर, क्यों ये फ्लटर नहीं हो रही, मतलब हवा के चलने से जो लीव जो हिलती है वो नहीं हो रही है। व्हेन द विंड ब्लोस दैट्स बैरम्स मास्टर पीस, ये बैरमन का मास्टर पीस है, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, इसने उसको पेंट किया जिस दिन की लास्ट लीफ गिरी थी। सो दैट इज़ द स्टोरी बाय ओ हैनरी, दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस स्टोरी। सो आई गॉट दिस फ्रॉम अ बुक, एक्चुअली पी डी एफ, इट वॉज नॉट पी डी एफ वॉज नॉट ऑन द ऑन गूगल, आई ट्राइड टू यू नो बट आई डिड नॉट फाइंड एनी पी डी एफ एक्चुअली। सो मैंने ये बुक से ही जो है लिया है। सो रीड दिस चैप्टर एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एवरी वन।